Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. www.imyouronlineteacher.com की बेहद पर मैं तुषार अजीम आप सब खाते हूँ. उम्मीद है आप सबका खैरियत से होंगे. जैसे कि आपने मेरे प्रीवियस वीडियोस देखे हैं वो सारे ग्राफिक डिज़ाइनिंग से रिलेटेड हैं. दिस इज़ माय फर्स्ट वीडियो ऑन द बेस ऑफ वेब डिज़ाइनिंग. ओके, वेब डिज़ाइनिंग के हवाले से ही आज का जो वीडियो है ये मेरा फर्स्ट वीडियो है और इसमें मैं थोड़ा सा आपको इंट्रोडक्शन दूँगी वेब डिज़ाइनिंग का. और जो हमारी अपकमिंग जो DVD आएगी यानी जो हमारा पूरा कम्प्लीट कोर्स आएगा उसमें वेब डिज़ाइनिंग के हवाले से क्या क्या चीज़ें होंगी और थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दूँगी मैं आपको Adobe Dreamweaver CS3 का जिस पर हम काम करेंगे. ठीक है ना, तो उस हवाले से मैं आपको थोड़ा सा वेब डिज़ाइनिंग का तारुफ बताऊँगी कि देखें वेब डिज़ाइनिंग में इस वक्त दुनिया जो है जिस तरह प्रोग्रामिंग में बहुत आगे इस तरह ग्राफिक एंड वेब डिज़ाइनिंग में भी दुनिया बहुत आगे की तरफ जा चुकी है. ठीक है, तो हम अगर आज से 10-20-25 साल पहले देखें तो नोट पैड जो कि हमारे सिस्टम में ऑलरेडी मौजूद होता है, यहाँ पे हम ऑल प्रोग्राम में जाके अगर नोट पैड लिखते हैं तो एक नोट पैड की विंडो आ जाएगी. ठीक है ना, तो आप सबको पता होगा. तो उस पर जो है वो हम HTML और CSS के कोड्स लिखते थे और एक वेब पेज बनाते थे. ठीक है ना, ये काफ़ी लंबा प्रोसेस था. ठीक है, तो अब जैसे जैसे कि आपको पता है कि ज़माना और वक्त चेंज होता जाता है तो नए नए सॉफ्टवेयर आते जाते हैं तो उनमें जो है आहिस्ता आहिस्ता जो है वो फिर Dreamweaver जो है वो वेब के लिए इंट्रोड्यूस हुआ. ठीक है ना, नोट पैड प्लस प्लस जो एक इसी का एक नोट पैड प्लस प्लस एक फ्री एप्लीकेशन है जो कि इंटरनेट पर अवेलेबल है, उसमें भी HTML और CSS की कोडिंग लिखी जाती है. लेकिन व्यूअर्स हम जो अपना वेब डिज़ाइनिंग का पूरा कोर्स इंट्रोड्यूस करवाएंगे उसमें हम जो है ना नोट पैड प्लस प्लस को यूज़ करेंगे ना नोट पैड को यूज़ करेंगे बल्कि हम Dreamweaver में HTML और CSS की कोडिंग लिख के और फिर उस तरह से एक वेबसाइट डिज़ाइन करेंगे. और जैसे कि मैंने आपको अपनी इंट्रोडक्शन वीडियो में भी बताया था कि तकरीबन 6 से 7 पेज हैं जिनका जो डिफरेंट डिज़ाइंस के होंगे उसका हम जो है वेब बैकग्राउंड उसका हेडर फुटर किस तरह बनाते हैं और फिर उसको जो है वो Dreamweaver में किस तरह जो है वो HTML और CSS में कन्वर्ट करते हैं, ये पूरा एक प्रोसेस मैं आपको जो है वो बताऊंगी. ठीक है ना, तो जो है एक दूसरी इम्पॉर्टेंट बात ये कि जैसे हम ये इंटरनेट पे मैं आपको बताती हूँ अगर हम लिखते हैं गूगल के सर्च इंजन में प्रीमियम वेब टेम्पलेट्स PSD प्रीमियम PSD टेम्पलेट्स और इसको जो है वो इमेजेस हम देख लेते हैं. गूगल पे इमेजेस पे जाते हैं. ठीक है, और यहाँ लिखते हैं PSD देखिएगा कि ये जो है हमारी भी जो गूगल इमेजेस है इसमें हज़ारों किस्म के टेम्पलेट्स जो है वो ओपन हो जाते हैं. ठीक है, तो इस किस्म की जो डिज़ाइन से ये किस तरह बनते हैं. ठीक है ना, उसको HTML और CSS में हम किस तरह कन्वर्ट कर सकते हैं, ये कुछ डिफरेंट किस्म के डिज़ाइंस हैं वो हम आपको तकरीबन 5 से 6 जो है वो डिफरेंट किस्म के डिज़ाइंस की HTML और CSS पे कन्वर्ट करना बताएंगे. ठीक है ना, जो शायद ही किसी और प्रोग्राम में आपने देखा हो. ठीक है ना, तो कोशिश यही है कि मेहनत से और उससे मतलब एक जो आउटपुट आपको मिलेगा जाहिर है वो उससे आपकी स्किल्स में इजाफा होगा. ठीक है ना, जैसे ये एक टैंपलेट है, लेट्स सपोज ये है. ठीक है ना, ये डिज़ाइन तो थोड़ा ओल्ड है लेकिन आप देखें कि किस तरीके से बनाया गया होगा. इसका पीछे जो है मैं आपको दिखाती हूँ, इसको ज़रा बड़ा करके मैं आपको दिखाती हूँ जूम इन करके ताकि आपको थोड़ा सा अंदाज़ा हो कि हम जो वेब डिज़ाइनिंग करने जा रहे हैं वो किस तरह की करने जा रहे हैं. ठीक है, देखिए इसमें जो है जो पीछे बैकग्राउंड नज़र आ रहा है इस पेज में, ठीक है ना, वो अलग से डिज़ाइन हो रहा है. ठीक है ना, वो फोटोशॉप में डिज़ाइन होता है, उसका एक स्पेसिफिक साइज़ होता है. ठीक है, और इसी तरह से ये जो हेडर है, ठीक है ना,
ये हेडर की जितनी भी ये जो बटन्स वगैरह देखें, ये जो है ये इन्होंने प्रिंट प्रीव्यू दिखाया है, यानी कि जब हम होम पे क्लिक करेंगे, वेबसाइट इस तरह की होगी कि जब हम होम पे क्लिक करेंगे तो जो है ये बटन जो है ग्रीन हो जाएगा, ठीक है ना। तो ये सारा काम जो है वो HTML और CSS में होता है, ठीक है ना। ये काम हम फोटोशॉप में सिर्फ इमेजेस के दिमाग पे कर सकते हैं, बाकी ये बनेगा पूरा जो है वो HTML और CSS में कन्वर्ट होते हैं, ठीक है। ये जो एरिया है ये HTML ये सॉरी PSD यानी फोटोशॉप में बनेगा, ठीक है ना। ये इमेजेस फोटोशॉप में बनेंगे, लर्न मोर और ये बटन कि जब हम इस पर क्लिक करें तो एक होवर का जो एक कलर आता है वो मतलब चेंज हो जाए। तो ये सारी चीज़ें जो है ये सब HTML और CSS कन्वर्जन होता है, ठीक है ना। तो उसके लिए आपको प्री बेसिक HTML और CSS आनी चाहिए, ठीक है ना। वो भी हम आपको बताएंगे, और वो मैंने जैसे कि आपको बताया कि एक नहीं कम से कम 5 से 6 डिफरेंट पेजेस पर बनाएंगे, ठीक है। और दूसरी बात है कि उसमें जो है वो एक jQuery का हम स्लाइडर कैसे लगाते हैं, ठीक है ना। आपने कोई भी सिंपल इशू जैसे वेबसाइट ओपन की होगी तो उसमें एक स्लाइडर चलता होगा, ठीक है ना। तो उस स्लाइडर को हम दो तरीक़ों से बना सकते हैं, या तो हम उसमें jQuery की कोडिंग कर दें, या फिर जो है उसमें हम जो है फ्लैश पे एक स्लाइड शो बना के और वो एडिट करते हैं। तो फ्लैश फ्लैश के अंदर जो स्लाइड शो होता है, ये सारी चीज़ें जो है वो वेब डिज़ाइनिंग के जो हमारा कंप्लीट कोर्स होगा उसमें आते हैं, ठीक है। तो अब देखिए ये जो डिज़ाइनिंग ये सिंपल वेब पेज का है, ठीक है। इसमें क्या है कि ये जो आप देख रहे हैं बैकग्राउंड बड़ा खूबसूरत सा बना, ये फोटोशॉप में एक स्पेसिफिक साइज में बनाया गया है, ठीक है। ये जो है ये मेन्यू बार है, ठीक है। ये इस वेब पेज का जो है आप हेडर भी समझ लें, और फिर इसमें जो हेडर के अंदर जो वो होता है लोगो होता है, तो ये लोगो डिज़ाइन है, ठीक है। अब ये अगर हम इसको इसका लाइव डेमो देखें तो हो सकता है कि ये जो इमेज है ये एक स्लाइड शो में भी हो, ठीक है। अब इस तरह के वेब बैनर्स या स्लाइड शो हम किस तरह बना सकते हैं ये भी हम आपको बताएंगे, ठीक है। तो इस तरीके से यकीनन आप समझ गए होंगे कि हमारे जो कोर्सेज हम इंट्रोड्यूस करवा रहे हैं उसमें से क्या खास बात होगी। लेकिन ये जो इस तरह की थीम्स हैं ये ज़्यादातर जो है ये वर्डप्रेस थीम्स कहलाती हैं, इसमें बड़ा प्रोफेशनल काम होता है, और मतलब उसमें कोई कलरफुल चीज़ें नहीं होती, मतलब एक आध कलर होगा, लेकिन ये तो बहुत ही डिसेंट जो है वो डिज़ाइनिंग और प्रोफेशनल डिज़ाइनिंग होती है। तो ये जो है ये वर्डप्रेस थीम्स कहलाते हैं। इस तरह की थीम्स आप किस तरीके से फ़ोटोशॉप में बना सकते हैं और उसको किस तरीके से जो है वो उस पर काम कर सकते हैं, क्योंकि देखिए बात यह है कि हम जब प्रोफेशनल लेवल पे काम करते हैं तो हमारे जो क्लाइंट होते हैं वो हर तरह का डिज़ाइन आपके पास ला के दे सकते हैं, ठीक है ना। उनकी रिक्वायरमेंट को फुलफिल करना आपकी सबसे बड़ी जिम्मेदारी होती है, और ये आप उसी सूरत में कर सकते हैं जब आपके पास ऐसी स्किल्स हों कि आप बना सकें और आप कॉन्फिडेंटली उनको बोल सकें कि नहीं हम बना सके आपको दिखा सकते हैं। क्योंकि क्लाइंट ही हमारा सब कुछ इसलिए होते हैं व्यूअर्स के वो हमें पे आउट कर रहे होते हैं, ठीक है ना। तो वो अगर जाहिर है कि हम अगर एक दयानतदारी से और अच्छे से उनको काम करके दे रहे हैं तो ऑब्वियसली उससे एक भी वो 10 मजीद क्लाइंट आ जाते हैं, और ईमानदारी और दयानतदारी से जाहिर जो भी काम किया जाए तो उसका एक अजर भी अल्लाह ताला देता है। तो एक मकसद आपको यह है, क्योंकि मैंने एक प्रोफेशनल लाइन मैंने काफ़ी इसमें मतलब ये के है देखी है और बहुत कुछ एक्सपीरियंस किया है, तो मैं उसी एक्सपीरियंस को सामने रखते हुए अपने कोर्स को डिज़ाइन कर रही हूँ कि आपको जो है उसके बाद भी मतलब ये कि आपसे इंटरेक्शन रहे, और जितने भी लोग उससे इंशाल्लाह ये डिलीवरीज जो कि बहुत ही मैंने आपको बताया रिजनेबल कॉस्ट पर मिली, जब आप परचेज़ करेंगे तो इंशाल्लाह जब तक मेरी ज़िंदगी मैं आपको लाइफ टाइम जो है वो हेल्प आउट करूँगी स्काइप के थ्रू, जो है वो फेसबुक आईडी के थ्रू, या आप मुझे ईमेल भी कर सकते हैं, या मेरी जो अपनी वेबसाइट है उसमें जो है वो कमेंट्स का पूरा वो होगा जिसमें आप अपना इंट्रोडक्शन दे सकते हैं कि आपने इस टाइम पर मुझसे ये DVD परचेज़ की थी। और बाकी ये कि उसमें इंशाल्लाह जो मेरी वेबसाइट है उसमें भी लाइव स्ट्रीमिंग होगी, मतलब कि मैं अपने व्यूवर्स को जो भी मेरे जो स्टूडेंट्स हैं उनको मैं एक अच्छे तरीके से गाइड कर सकूँ। तो एक अच्छी नीयत और एक अच्छी सोच के साथ दोस्तों इस प्रोग्राम को इस काम को मैंने स्टार्ट किया है। मुझे यकीन है कि आप सब जो है वो इसमें मेरे साथ काम करेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा वीडियोज़ को शेयर करेंगे, और जो लोग मुझसे ज़ाहिर है कि सीखना चाहते हैं तो मुझे एकदम जो है वो इंतहाई रिजनेबल कॉस्ट पर आपको जो है ये डिविटीज़ प्रोवाइड करूँगी।
उम्मीद है आपको आज का जो है इंट्रोडक्शन ही है, इसमें ज़्यादा मैंने कुछ इतना खास नहीं बताया है आपको। वेबसाइट बनाने का थोड़ा सा मतलब अपने ज़्यादातर ओवरव्यू अपने कोर्स का दिया है। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको एडोबी ड्रीम वर्क और उसके HTML और CSS का थोड़ा सा तारुफ बताऊँगी। उम्मीद है आप सब मेरे साथ रहेंगे। अल्लाह।